तो किसान भाइयों, आपके यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बोरर की, और बोरर यहाँ से लेके आपका जितनी वैली है सारी की सारी बोरर से इफेक्टेड है कि नहीं है जी। मैं पीछे से जब गाड़ी मेरी चलती आई, मैं पेड़ से, क्योंकि मैं पेड़ से बात करता हूँ, मुझे पता है ये पेड़ क्या बोल रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है। ये फ्रूट से लद जाता है, आपका ही है ना, लगता कि नहीं लगता, हर साल लगता है, कभी धोखा नहीं देता ना, ठीक है। क्यों ये बात करता है, ठीक है, लेकिन इसको क्या चाहिए, जब ये लदता है तब इसको भोजन अच्छी मात्रा में संतुलित भोजन चाहिए, तो आपको इसमें साइज भी अच्छा आएगा, आकार भी बढ़िया होगा। जहां इसमें थिनिंग करनी बहुत ज्यादा भरा होता है तो उसको थिनिंग करना, थिनिंग आप ऊपर चढ़ के तो थिनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कम से कम इसे एक बैलेंस डाइट तो दे सकते हैं, भोजन तो दे सकते हैं। तो ये पेड़ आपका कम से कम आपका 25 से 30 पेटी का है, और आपको ज्यादा ज्यादा 6 से 8 पेटी से ऊपर मुझे नहीं लगता जाता होगा। एक पेड़ इतने देते हैं, इतने देते ना, ठीक है, क्योंकि ये बात कर रहा है, बात कोई मुंह से नहीं कर रहे, इसके कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करो। अगर ये पेड़ आपका 30 पेटी का आ जाए तो साहब आपके 30 पेड़ है, ये जितने इतने को बचा लो आप तो कितनी होगी, 10 पेड़ में 300 पेटी। तो इतना सघन खेती आपको करने की जरूरत है क्या? एक एक पेड़ को बचाओगे, उसको बचाओगे, छोटे को बचाओगे, इसको बचाओ, जा तो पूरे प्लॉट में सघन खेती अलग से कर दो। लेकिन इस खेत में सघन खेती अच्छी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, है कि नहीं? जब नहीं है तो फिर इस तरफ जानकारी लेके चले। ये पेड़ आपका 20 पेटी का है, ये आपको 15 पेटी देता है, देने के लायक है, कर सकते हैं आप। वो टैलेंट हम किसानों में चाहते हैं कि वो टैलेंट किसानों में, हर किसान में उजागर हो कि पेड़ से फल कैसे लेना, स्वस्थ फल और बढ़िया फल, टिकाऊ फल, और उसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी हो, हमें ये भी लेना है। जब आप इससे 30 पेटी लोगे इस पेड़ से, तो आप दिल पे तसल्ली रख के बोले 30 नहीं तो 20 ही सही, आप बोलेंगे यार मेरी औलाद है, क्या बात है, इसको मान गए इसको, क्योंकि मेरे को 20 पेटी दे रहा है। 10 पेड़ यही, 10 पेड़ गिन लो आप, 200 पेटी यहाँ से आगे स्वस्थ फल आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको बचाने के पीछे लगोगे, ना कि लगाने के पीछे लगोगे किसी को। आप ये सीखोगे, ये 20 पेटी दे रहा है तो मैं इसको कैसे कैसे न कैसे बचाऊं। आप किसी को बुला के लाओगे कि भाई साहब ये मेरी औलाद बीमार है, इसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। लेकिन 20 पेटी को बचाने के लिए आपको वो ज्ञान सीखना पड़ेगा जो मैंने बोला, अच्छा किसान और अच्छा वैज्ञानिक, किसान भी अच्छा और वैज्ञानिक भी अच्छा, ऐसे ना, है कि नहीं। बोरर के लिए जो आपने बात करी है, पहली बात मैं आपको बता दूं, बोरर तब ठीक होगा जब ये गोबर आपका बंद होगा। गोबर आपका जो गोबर है वो बंद होगा, आपके घर का गोबर, जितने भी किसान है मेरी बात नोट कर ले, चाहे इस साल से एक खेत छोड़ दे, गोबर मत डाले। जब घर का गोबर बंद होगा, घर का, मैंने कच्चा भी नहीं बोर्ड बोल रहा, घर का गोबर बंद होगा, तो जो आजकल का बना हुआ गोबर है वो बंद होगा, तो आपका खेती स्वतः ही बचना शुरू हो जाएगी। इसमें हम डाल रहे हैं बीमारियां, इसमें डाल रहे हैं बोरर की खुराक। अब आप लोग बोले, आप लोगों ने यह सवाल नहीं किया कि गोबर तो पुश्ता नहीं है, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया कि गोबर तो पुश्तों से चला आ रहा है, और डॉक्टर साहब आप कैसे डॉक्टर हो यार, आप गोबर बंद कर रहे हो, क्यों? गोबर के बिना तो खेती भी नहीं है ना, बिना पशुधन के खेती नहीं हो सकती। किसान भाई नोट कर ले, अब यूथ है सभी, बिना अच्छा पर्यावरण के खेती नहीं हो सकती, बिना पशुधन, बिना पर्यावरण, बिना पानी के, और बिना अच्छी मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट की कब तौलिया बनाना है, कब घास निकालना है, कब आपने खुराक देनी है, कब क्या क्या करना, वो प्रैक्टिस है, अच्छी खेती नहीं हो सकती। तो आपका जो गोबर है वो गोबर डलेगा, तो किसान भाइयों किसी भी विश्व के किसी वैज्ञानिक से दवाई लिखा लेना, मैं चैलेंज करता हूं, अगर ठीक कर जाए तो 4 दिन 6 दिन के लिए कर जाएगा कि भाई आपके कीड़े मार दिए, सूढ़ी मार दी आपकी, सूढ़ी बोलते हैं, सूढ़ी मार दी, लेकिन बाद में फिर 3 महीने के बाद सूढ़ी का ढेर लग जाएगा,
तो बोलेगा यार डॉक्टर आया तो था, ठीक तो था, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ नहीं बना, पेड़ तो फिर भी जा रहा है। हमें ट्रीटमेंट सीखनी है या मैनेजमेंट सीखनी है ये बताओ। हाँ मैनेजमेंट होनी चाहिए कि थोड़ी देर टाई शाई डाली और पेंट को डाले और चले गए भाई साहब बाबू बन के चले गए, और बाद में अल्टीमेटली जब टाई शाई क्रीम लगाई और बाद में तो कुछ भी नहीं, वैसे तो वैसे ही। हमें मैनेजमेंट सीखनी है, तो मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको सबसे पहले अगर बोरर खत्म करना है तो ये गोबर को उठा के आप घर में वही स्टोर कर दो। अब गोबर कैसे डालना है ये भी मैं बताता हूं आपको। जिस गोबर में ताकत नहीं है वो गोबर नहीं है, जिस मिट्टी में ताकत नहीं है वो मिट्टी है, भूमि नहीं है, वो मिट्टी है भूमि नहीं है। जिस भूमि में जीवाणु नहीं है वो भूमि नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, क्या होता है मिट्टी? मिट्टी क्या है? मिट्टी मतलब मरी हुई, यहां कुछ पैदा नहीं होता, उसको मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, उसको मिट्टी बोलते हैं। लेकिन आप किसी भी वेद शास्त्रों में किसी में देखना, उसमें मिट्टी नहीं भूमि लिखा हुआ है, भू माता, ठीक है, ये मिट्टी नहीं भूमि, एक माँ है, जननी है, हर किसी का पेट पालती है, इस पेड़ का पालती है, हमारा पालती है, हमारा कुटुंब पालती है, हर चीज की संरचना यही मिट्टी से निकला, बाहर से ऊपर से तो नहीं। मैंने कपड़े डाले कहां से आए, मैंने जूते डाले कहां से आए, इस मिट्टी से निकला, तो ये तो जननी है, ये मिट्टी नहीं। लेकिन हमने खेत को मिट्टी बना दिया, ये मिट्टी बना दिया, तो मिट्टी नहीं बनानी, अपने को भूमि बनानी है जो उपजाऊ है, धरा, ठीक है, उपजाऊ भूमि बनानी। उपजाऊ भूमि बनाने के लिए आपको इसमें जो मैंने आपको गोबर की बात बोली है, जा तो गोबर बंद कर दें, अगर आपको गोबर डालना है, आपके पास गोबर है, जैसे मैंने बोला, आप पूछेंगे भाई साहब आपने गोबर इतने पुश्तैनी चल रहा है और आप गोबर बंद कर रहे हो। गोबर अगर बनाना है तो घर में जो गोबर है, जो हीप आपने ढेर लगाया है, उसको प्रॉपर डीकम्पोज करके डालें। गोबर वो अच्छा होता है जिसमें कभी भी धूप ना लगी हो, गोबर वो अच्छा होता है जिसमें बरसात की एक बूंद ना पड़ी हो। अब आप बता दो कि आपका गोबर सही है या गलत है? गलत है ना, है ना गलत। गोबर वो अच्छा है जिसमें बरसात की बूंद ना पड़ी हो, गोबर वो अच्छा है जिसमें धूप की रोशनी ना, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ी हो, तो गोबर अच्छा नहीं है। और उसके बाद गोबर कौन सा अच्छा, मिट्टी का कण और गोबर का कण बराबर हो, तो गोबर कैसा होगा, भुरभुरा। मिट्टी में डालोगे तो मिल जाएगा, कण कण में समा जाओ राम बोलते है ना, ठीक है। तो मिट्टी और गोबर का कण बराबर हो तो क्या होता है उसमें, जो जो आप बात करें कि पानी, हमने ये गोबर डाला और इसके ऊपर आप मिट्टी डाली और नीचे वाटर रिटेन रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, इससे फंगस आएगी, और फंगस धीरे धीरे धीरे, जो एक मित्र फंगस होती है एक होती है शत्रु, जीवाणु भी ऐसे होते हैं, वो पहले इसको आएंगे फिर बाद में दूसरा आएगा। तो उस गोबर को आप एक गड्ढा बना के, ठीक है, उसको गड्ढे में डाल के और उसके ऊपर आप कटिंग प्रूनी छिटे छुटे जितने भी आपका बेस्ट का है वो सारा का सारा उसमें अलग अलग तय में दबा दो उसमें, ठीक है, उसमें दबा दो। उसको दबाने से क्या होगा कि आपका जो गोबर है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा, और उसको जल्दी सड़ाना है तो डीकम्पोजर आते हैं मार्केट में, आपने सुने अच्छे वाले डीकम्पोजर, लेकिन अच्छे वाले होने चाहिए, मतलब अच्छा डीकम्पोजर होना चाहिए। उस डीकम्पोजर को आप उसमें डाल दो और 15-20 दिन के बाद, हर 15-20 दिन का पट्टा लगा दो, आपका 40-45 दिन गोबर बिल्कुल सड़ जाएगा, आपको केंचुआ डालने की जरूरत नहीं है। जो केंचुआ मार्केट से आ रहा है, जो केंचुआ आपको बांटा जा रहा है, वो केंचुआ कभी मत डालना, डालना इस जमीन में केंचुआ है अपने आप तैयार यहां से तैयार होगा। आप देखो गोबर डालते केंचुआ आता है, ये गोबर डालता है नीचे केंचुआ नहीं आता, ये सूख जाता है, मतलब गोबर भी अच्छा नहीं है। क्यों गोबर क्यों नहीं अच्छा, क्योंकि आजकल तो जर्सी तो हॉस्टन गाय है, देसी तो सड़कों में है, घर से बाहर निकाल दी, ठीक है,
तो गोबर को सड़ाओ प्रॉपर। जब वो गोबर सड़ जाए उसके बाद आपने उसमें क्या करना, गौमूत्र इकट्ठा कर लेना, गौमूत्र इकट्ठा करके उस गोबर के ऊपर स्प्रे कर देना और उसको